इस प्रोग्राम के अंदर जो है 75 लाख किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑल ओवर इंडिया कलेक्ट हो गए। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर महाभारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का मैं आज जो शपथ लेता हूँ मैं अन्य सौ व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए सौ घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। आज 1 अक्टूबर है और ये अक्टूबर का पूरा महीना जो है ये क्लीन इंडिया के नाम पे जो मनाया जाएगा, इसमें जो क्लीन इंडिया 2.0 शुरू हो रहा है। आज से जो सबसे पहले जो कार्यक्रम हमने इस इशू को लेके किया है वो है कि हमने सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को और जितना भी हमारे जो लोग हमारे डीसी ऑफिस में सर्विस करते हैं उनको एक जगह पर लाकर उनको एक ओथ करवाई है। तो ये ओथ जो है ये कहा गया है कि हम पूरा महीना जो इसको क्लीनिनेस को लेके एटलीस्ट हफ्ते में दो घंटे जो है इस पे काम करेंगे और बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी क्लीन इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट सेट हुए हैं प्लास्टिक को कलेक्ट करने के लिए और उसका जो है साइंटिफिक डिस्पोजल करने के लिए। तो एक हमने कैलेंडर इशू किया है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट को अपना रोल असाइन किया है और इस कैलेंडर के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। इसमें जो नेहरू युवा केंद्र है वो एक नोडल एजेंसी की तौर पे काम करेगा और सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो हमारा कैलेंडर है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, चाहे वो स्कूल्स को लेकर है, ये जो हमारा म्यूनसिपलिटीज़ हैं इनको लेकर है, या रूरल एरियाज़ में वीडियोस को लेकर है, ऑफिसेज को लेकर है। हर एक किस्म की एक्टिविटी हमने उसमें कवर की है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर है, पुलिस स्टेशन और पुलिस की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी क्लीनिनेस को लेकर है। तो आने वाले दिनों में इस कैलेंडर के ऊपर जो है हम सीरियसली काम करेंगे और जो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है क्लीन इंडिया इसको हम अपने डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुल बनाएंगे।